हेलो एवरीवन, सो वेलकम आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है शिव टॉकीज। तो आज हम बात करने जा रहे हैं अश्वगंधा के बारे में। तो इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि आपको पता लग जाए कि अश्वगंधा के क्या बेनिफिट्स हैं और क्या यूजेस हैं आपकी बॉडी के लिए या आपकी हेल्थ के लिए। तो अश्वगंधा नाम से हमें क्या पता चल रहा है, इसके नाम से हमें पता चल रहा है अश्व, अश्व मतलब हॉर्स और गंधा मतलब स्मेल। तो जिसमें से हॉर्स की स्मेल आए वो अश्वगंधा, जो इसका प्लांट है इसके प्लांट में से हॉर्स की स्मेल आती थी तो इसका नाम अश्वगंधा रख दिया गया। तो इसका साइंटिफिक नेम है विदेनिया सोमनीफेरा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इसको आप कैसे ले सकते हैं, कैसे आपको कंज्यूम करना है। इसको आप दूध में ले सकते हैं आधा चम्मच या एक चम्मच, किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट करके। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके कुछ यूज़ के बारे में। तो ये आपकी बॉडी में कैसे यूज़ हो सकता है, ये यूज़ हो सकता है अगर आपको स्ट्रेस रहता है, डिप्रेशन रहता है, इंसोमनिया, ऐसे कुछ भी जितनी बड़ी बीमारी हैं जो ब्रेन पे, जिससे ब्रेन से रिलेटिव है, उसमें बहुत ही ये असरदार है। कैसे है वो अब हम बताएंगे आपको। हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है जिसका नाम है कोर्टिसोल। कोर्टिसोल हमारे ब्लड में रिलीज़ होता है कब, जब हम टेंशन लेते हैं, डिप्रेशन में होते हैं। उसके रिलीज़ होने से क्या होता है, जो डोपामीन है उसकी सेक्रीशन कम होती है, जिसको हम हैप्पी हार्मोन भी कहते हैं। जब भी कोई एक्साइटमेंट जैसी कोई चीज़ होती है तो वो रिलीज़ होता है, उससे क्या होता है टेंशन नहीं होती। लेकिन कोर्टिसोल के रिलीज़ होने से बहुत टेंशन होती है, तो ये उसके लेवल को ब्लड में से कम कर देता है। कम करने से क्या होगा, जितनी भी प्रॉब्लम है इंसोमनिया की वो ठीक हो जाएंगी। कैसे, जब टेंशन ही नहीं रहेगी तो ऑब्वियसली बात है वो ठीक, हमें नींद आ जाएगी। तो जितने भी चिल्ड्रंस हैं, जो भी बिजनेसमैन हैं, जो भी ऐसा प्रोफेशन है जिसमें ब्रेन की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा, तो उसमें ये बहुत ही बेनिफिशियल है। अश्वगंधा स्ट्रेस से तो बचाएगा ही, और साथ साथ ये हमारी इम्यूनिटी को इतना बूस्ट करेगा कि बाहर से आने वाले कोई भी वायरस से ये फाइट बैक कर सके और किसी भी डिजीज़ को होने से पहले ही ये प्रिवेंट कर सके, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अश्वगंधा एक मेजर रोल प्ले करती है थायराइड की प्रॉब्लम्स में, जैसे भी हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म, गोइटर, जितनी भी ऐसी मेजर प्रॉब्लम्स हैं इसमें बहुत काम करती है। कैसे, एंडोक्राइन ग्लैंड की सेक्रेशन को बढ़ा के। तो ये बीपी के जो पेशेंट्स होते हैं उसमें भी बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। जितने भी पेशेंट्स हैं डायबिटिक मेलाइटिस के, ये उसमें बहुत ही बेनिफिशियल है। कैसे, ये इंसुलिन की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देता है पैंक्रियाज से। तो उससे होता क्या है, ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन रहेगा, जिससे कि जो हमारी शुगर होगी वो मेंटेन रहेगी। और इसका क्या फंक्शन है, ये टेस्टोस्टेरोन को इंक्रीज करता है। जितने भी हमारे यंग एज है, चिल्ड्रंस हैं और ओल्ड एज हैं, तो इसमें इसके क्या होगा, इससे जो बॉडी की ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, वो इसी से ही होगी। इसी टेस्टोस्टेरोन जो एक हार्मोन है हमारी बॉडी में, तो उसको ये एनहांस करता है और ट्रिगर करता है। तो ये इम्पोटेंसी में बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट है। इम्पोटेंसी में जिस भी पेशेंट को होती है उसमें अश्वगंधा का यूज़ किया जाता है। और अश्वगंधा पूरे वर्ल्ड वाइड एक अच्छा एक हेल्थ प्रोडक्ट साबित हुआ है। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी की। ये काफ़ी अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, जितने भी बॉडी में फ्री रेडिकल्स इधर उधर घूमते हैं ब्लड में हमारे, तो उसको ये बैलेंस करता है और एक न्यूट्रल अमाउंट में बॉडी को मेंटेन करके रखता है। तो ये थे कुछ इसकी अश्वगंधा की प्रॉपर्टीज। तो अश्वगंधा कुछ ऐसे में आता है चूर्ण की फॉर्म में, आप देख सकते हैं। इसको आप कैप्सूल की फॉर्म में भी ले सकते हैं, जिसको नहीं खाया जाता, जिसको हम जो भी एंगल्फ नहीं कर सकता चूर्ण को हनी के साथ या दूध में डाल के, तो वो कैप्सूल भी ले सकता है इसका दूध के साथ या पानी के साथ। तो कुछ इस तरह से आता है अश्वगंधा। देखिए ये पतंजलि का हमने ले रखा है उसकी दिव्य आयुर्वेदिक फार्मेसी का, तो काफ़ी नॉमिनल रेट होता है इसका, 56 रुपीज़ इसका कुछ रेट है। तो ये COVID-19 जैसी पैंडेमिक में कैसे हेल्पफुल हो सकता है अश्वगंधा। तो एक IIT दिल्ली और एक नेशनल इंस्टीट्यूट जापान की रिसर्च हुई, जिसमें ये पता चला कि ये जो अश्वगंधा है ये कोरोना की रेप्लिकेशन को रोकता है। और इस अश्वगंधा का यूज़ इस टाइम पूरे इंडिया में जितने भी COVID-19 के पेशेंट्स हैं इस पे यूज़ हो रहा है। तो कितना इफेक्टिव है ये तो हमें रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। तो थैंक यू गाइज, इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।